हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर 9th क्लास की मैथ में एक थ्योरम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एक एग्जांपल लगाने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 6.1 में पहला थ्योरम यहाँ पे दिया हुआ है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है? इसका मतलब क्या है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं कि किस प्रकार से इस शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले क्या जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिया क्या हुआ है। हमको कुछ दिया तो है नहीं, हमको दिया है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है? तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन हम यहाँ पर बना लेते हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन, दो प्रतिच्छेदी रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया O, लाइन का नाम दे देते हैं A, O, B, एक एंगल हो गया हमारा और दूसरा हो गया सी एम डी। दो लाइन है ए बी एंड सी डी, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हम यहाँ पर इसके पहले देख चुके हैं कि शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा ए ओ बी एंड बी ओ सी, एक दूसरे के इक्वल है, ये हम यहाँ पर प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बताया हुआ था और हमने यहाँ पर कहा था कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं यानी रैखिक युग्म। अब एक एक्सियम है, एक अभिगृहीत है जिसको हम रैखिक युग्म अभिगृहीत कहते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ये हम जानते हैं ये दोनों क्या हमारे एडजेसेंट एंगल है और ये एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो इस एक्सियम को कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम या रैखिक युग्म अभिगृहीत, लीनियर पेयर एक्सियम, ठीक है? तो यहाँ पर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री होता है इस एक्सियम से, ठीक है? अब फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, अगर हम देखें कि ये भी एक लाइन है, सी डी भी एक लाइन है, सी डी पर भी दो एडजेसेंट एंगल बने हुए हैं, आसन्न कोण बने हुए हैं, इनका सम की रैखिक युग्म अभिगृहीत से 180 डिग्री होना चाहिए। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे। कौन कौन सा लेंगे? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल हम यहाँ पे दो, हम यहाँ पर लगे हुए कोई ऐसा ले सकते हैं लगे हुए एडजेसेंट एंगल जिसमें एक हमारा कॉमन एंगल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ए ए ओ डी एंड हमने अभी बार लिया हुआ था बी ओ डी, इनका सम 180 डिग्री। इस बार हम लेंगे ए ओ डी प्लस ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इसी वाले अभिगृहीत से, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि एक हमारी साइड इक्वल है 180 180, तो दूसरा पक्ष दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक और समीकरण दो की अगर हम तुलना कर दें तो हमारा मिल जाएगा एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ डी दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ हमारे ये एंगल हैं और ये एंगल क्या होंगे? सेम ही होंगे क्योंकि एक ही एंगल है। तो ये अगर इक्वल के दोनों तरफ वही एंगल हो और सेम इनका साइन हो तो कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखा कि मैंने मिल रहा है एंगल ए बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। यहाँ पर हम देखें एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ सी ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल आया है,
ठीक है, तो हेंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो बी ओ डी और सी ओ ए है, क्योंकि ये क्या है हमारे शीर्षन्मुख कोण है, ये शीर्षन्मुख कोण यहाँ से क्या हो रहा है बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पहला जो थ्योरम है 6.1 वो प्रूफ होता है। इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल वन में। इसके एग्जाम्पल वन जो है वो एग्जाम्पल वन दिया हुआ है। इन फिगर 6.9 पे एक डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ होगा, उस बुक में लाइंस PQ, लाइंस जो PQ है एंड RS है इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। जो PQ और RS जो लाइन है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। इफ एंगल POR, एंगल POR मीन्स ये एंगल है, एंगल पी ओ आर ये रेशियो है, एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू इन दोनों का रेशियो क्या है 5:7 है। फाइंड आर द एंगल्स, तो सभी एंगल्स हमें चारों एंगल्स यहाँ पर देख रहे हैं, चार एंगल्स बने हुए हैं। एंगल्स के नाम क्या क्या हो जाएंगे, POS, POS को हम यस को पी भी कह सकते हैं, एस ओ क्यू इस एंगल को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं क्यू ओ एस भी कह सकते हैं, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर कह सकते हैं, पी ओ आर या आर ओ पी कह सकते हैं। यानी यहाँ पर चार एंगल बने हुए हैं, चारों एंगल को यहाँ पर फाइंड करना है। हिंदी क्या इसको क्या कह सकते हैं, रेखाएं पी क्यू एंड जो आर एस है वो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, और पी क्यू आर और आर ओ क्यू जो है उनका रेशियो कितना है, रेशियो माने अनुपात कितना है 5:7 या 5:7 है। तो सभी कोण ज्ञात करना है, सभी एंगल्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा, या तो हम इसी यहीं पर देख लीजिए। जो हमें दिया हुआ है वो कहता है, मान लिया हमने लेट एंगल पी ओ क्यू कितना मान लिया, जितना रेशियो दिया हुआ है, जैसे 5 दिया हुआ है ना 5 रेशियो में, तो हम इसको कितना मान सकते हैं 5x मान लें। ठीक है, और क्या दिया हुआ है सर पी ओ आर है, ठीक है एंगल पी ओ आर, यहाँ पर क्या है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना है 7 है, तो इसको कितना मान लेते हैं 7x मान लेते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा बना लें, पी है ओ है यस है क्यू है आर है। ठीक है, यहाँ पर एंगल पी ओ आर, पी ओ आर ये हो गया, और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला हो गया, इसको हमने मान लिया है 5x है, इसको हमने मान लिया है 7x। ठीक है, अब हमको पता है कि किसी लाइन पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सिम से, रेखी युग्म अभिन्न से, किसी भी रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इन दोनों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा रेखी युग्म अभिन्न से। तो हम देख रहे हैं कि PQ जो है एक लाइन है, और लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं हो जाएगा रेखी युग्म अभिन्न, रेखी युग्म अभिन्न से यानी लाइन पेयर एक्सिम से, लीनियर पेयर एक्सिम से क्या हो जाएगा एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनकी वैल्यू रख देते हैं, यह है 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ऐड कर लें 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम x को फाइंड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 180/12, कैंसिल कर लें, एक बार जाएगा 6 हुआ, 60 हो गया, 15 आ गया, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सभी एंगल्स निकाल रहे हैं, तो एंगल हम निकाल लें, x की वैल्यू यानी पहले हम निकाल लेते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5x है, 5x का मतलब क्या है 5 x की वैल्यू रखते हैं 15 75 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7x, हो जाएगा 7 इंटू 15
95 डिग्री, ठीक है, सॉरी 105 डिग्री, 105 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एंगल जो पी ओ आर है उसका वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या है, क्यू ओ एस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, इक्वल होगा पी ओ आर, तो जितना पी ओ आर होगा उतना ही क्या हो जाएगा क्यू ओ एस हो जाएगा, तो कितना है पी ओ आर 75, यानी ये भी 75 हो गया। सेम उसी प्रकार से जो आर ओ क्यू है उसका वर्टिकल या अपोजिट एंगल क्या है पी ओ एस, ये भी पी ओ एस इसके इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 105, तो यहाँ पे जो चार एंगल है वो चार एंगल का एक आ जाएगा 75, इसका भी आ जाएगा 75, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस प्रकार से एग्जाम्पल और थ्योरम को हमें हल करना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो इस वीडियो में, इसी तरह के इस चैनल में आपको वीडियो 9th क्लास की मिलती रहेगी। अगर आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आपको बेनिफिट मिल रहा हो इससे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इस तरह की वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए। थैंक यू।